नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं आज के दिन 20-20% के सर्किट हिट किए हैं उज्जीवन फाइनेंशियल और इक्विटास होल्डिंग जैसे स्टॉक ने, साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बढ़िया तेजी बनते हुए देखने को मिली है। आरबीआई की तरफ से इन स्टॉक के लिए बढ़िया खबर आती हुई देखने को मिली है। ये अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक के और पेरेंट कंपनी जो होल्डिंग है उनको मर्ज कर सकते हैं, इसकी मंजूरी मिल गई है। इसके चलते सारे स्टॉक जो है भागते हुए देखने को मिले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए आज की डेट में उज्जीवन जो है होल्डिंग कंपनी में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेरेंट कंपनी है। जब इसमें अच्छी खासी तेज़ी होगी तो इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आपको उज्जीवन इनके पर रिस्पेक्टिव जो स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड है उन पर भी आते हुए देखने को मिलेगा। आगे भी इन स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो देखिए डेली चार्ट देख रहे हैं उज्जीवन होल्डिंग कंपनी का, करीब 205 से 210 के आसपास रेंज में स्टॉक कल की डेट में यानी फ्राइडे के सेशन में ट्रेड कर रहा था। आज के दिन यहाँ पे 244 पे अपर सर्किट देखने को मिला है और पूरे दिन भर यहाँ सर्किट में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, सर्किट लगा हुआ था, ट्रेड नहीं कर रहा था। तो देखिए नेक्स्ट टारगेट और यहाँ पे अच्छे देखने को मिलेंगे। आज का जो वॉल्यूम है कल की डेट में भी कैरी होने की यहाँ पूरी संभावना है। उसके बाद स्टॉक ने जो रिसेंट हाई लगाए थे, ये है अप्रैल के महीने के, तो ये तेज़ी आपको जो है अप्रैल के महीने में जो स्टॉक ने हाई लगाए थे करीब 260 रुपये के आसपास के, ये लेवल जल्दी ही निकालते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक नेक्स्ट हर्डल जो थोड़ी सी हर्डल इसके लिए बनेगी वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, वो फरवरी की 273 to 274 की, स्टॉक वहाँ भी आपको जाते हुए जरूर देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने नीचे ले रखा है अभी होल्ड करिए, अच्छे दिन इन स्टॉक के आ चुके हैं। ये सारे स्टॉक जो है यहाँ से करीब करीब 50 से 60 रुपये और तेज़ी बनाने की पूरी संभावना दिखाएंगे अगले 2 से 3 वीक्स में। उसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं इक्विटास होल्डिंग, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेरेंट कंपनी है। यहाँ भी करीब करीब 19 से 20% की तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक ने सर्किट हिट किया था लेकिन फिर थोड़ी बिकवाली आई, लेकिन करीब करीब 19 से 20% की तेज़ी आज के दिन बनती हुई देखने को मिली है। यहाँ भी कम से कम 150 के टारगेट मिनिमम आपको आते हुए जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए इक्विटास होल्डिंग का डेली चार्ट आप देख रहे हैं, स्टॉक में पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार आप तेज़ी देख रहे हैं और आज के दिन गैप अप ओपन यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। बात करें इसके सीधे मंथली चार्ट की तो देखिए मंथली चार्ट पे नेक्स्ट एक हर्डल के पास ही स्टॉक आपको खड़े हुए देखने को मिलेगा, जो कि करीब करीब मई 2019 की एक हर्डल है 145 रुपये के आसपास, 138 रुपये पे प्राइस पे आज क्लोजिंग दी है। 145 का लेवल पूरी संभावना है। आज जो तेज़ी बनी है कल की डेट में भी तेज़ी कैरी होते हुए देखने को मिल सकती है। 145 के ऊपर अगर निकल जाता है, उसको सस्टेन करता है, तो 175 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। ये 165 से 165 175 की इस रेंज में स्टॉक ने काफ़ी महीने ट्रेड किया है, इस रेंज में फिर से आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आज के दिन इंट्राडे में करीब 8 से 10% तक की शानदार तेजी देखने को मिली है। उसके अलावा उज्जीवन होल्डिंग की जो बैंक कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया था आज की डेट में, वो आप वहाँ पे देख लेना। लेकिन इसमें जो तेज़ी बनी है वो भी आपको जो है आने वाले दिनों में और कैरी होते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि ऊंचाई से स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया था, करीब 75 तक के हाइज लगाए थे, यानी इंट्राडे में 15 से 17% तक की तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक ने झेली है। तो देखिए बात करें इक्विटास स्मॉल बैंक के डेली चार्ट की तो करीब 6.5% की तेज़ी स्टॉक लेकर आज की क्लोजिंग दी है, और बात बताऊँ आपको हाई की तो करीब 75.85 की तेज़ी स्टॉक ने हाईएस्ट आज के दिन में जो है हाई पॉइंट लगाया था। तो देखिए सबसे पहले मंथली चार्ट की बात कर लेते हैं। मंथली चार्ट में आप देखेंगे स्टॉक आपको जो है ऑल टाइम हाईज के पास ही देखने को मिलेगा, और मंथली चार्ट पे आपको कोई भी हर्डल यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। एक लेटेस्ट हाई स्टॉक ने जो आज की डेट में लगाया लेकिन ऊपरी स्तरों से तेज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली, करीब 76 रुपीज़ के आसपास लगाया और क्लोजिंग दी है 69 रुपीज़ के आसपास। आज का जो स्टॉक का हाई है, स्टॉक जो है इवेंचुअली धीरे धीरे आने वाले दिनों में आपको यहीं पर फिर से जो है पहुंचते हुए देखने को मिलेगा आराम से। नीचे ले रखा है, होल्ड करिए। देखिए वीकली चार्ट मैंने आपके लिए ओपन किया है, वीकली चार्ट पे भी देख रहे हैं आज के दिन स्टॉक ने न्यू हाई क्रिएट किया है और सारे पुराने जो बैरियर्स थे उनको ब्रेक आज की डेट में यहाँ पे करते हुए देखने को मिल गया। जिन लोगों ने नीचे ले रखा है आराम से होल्ड करिए। नया कोई लंबी अवधि के लिए बाय करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा डिप में आप लोग कर सकते हैं, जैसे आज ऊपरी स्तरों से स्टॉक काफ़ी करेक्ट होते हुए देखने को मिला है। चलिए बात कर ली इस वीडियो में 3 स्टॉक के बारे में, जो तीनों ही कंपनियाँ फाइनेंस और बैंक इन तमाम कारोबार से जुड़ी हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।